हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास फोर्थ का ईवीएस का चैप्टर टू पढ़ेंगे। ये हमारा वीडियो नंबर एट है। देखिए, इसके हार्डवर्ड आपके चैप्टर का नाम है अवर इंटरनल ऑर्गन, हमारे आंतरिक अंग। हार्डवर्ड देखो, इंटरनल ऑर्गन मतलब आंतरिक अंग, एक्सटर्नल ऑर्गन बाहरी अंग, कंप्राइजिंग होता है शामिल, परफॉर्म प्रदर्शन करना, एक्टिविटीज़ गतिविधि, कोऑर्डिनेशन समन्वय, डिफरेंट का मतलब अलग अलग, रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार, वेरियस फंक्शन अलग अलग कार्य, अपर मोस्ट ऊपर वाला, हार्ड बोनी स्कूल हार्ड बोनी खोपड़ी, फ्लूड होता है तरल, इंजरीज एंड जर्क, इंजरीज होती है चोट और जर्क होती है झटके, चोट और झटके। इन हार्ड वर्ड्स को आपको अपनी कॉपी में लिखना है और लर्न भी करना है। देखिए, अब हम चैप्टर पढ़ते हैं। हाय जेसिका, डू यू नो विच इज़ द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ अवर बॉडी, ये पूछ रहा है। हाय जेसिका, क्या तुम जानती हो कि हमारे शरीर का अपर मोस्ट पार्ट यानी कि ऊपर वाला भाग कौन सा है? यस जॉन, हाँ जॉन, ब्रेन इज़ द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ अवर बॉडी, हमारे शरीर का ऊपर वाला भाग कौन सा है? ब्रेन, हमारा दिमाग। देखो बच्चों, अवर बॉडी इज सिमिलर टू ए मशीन, हमारा जो शरीर है एक मशीन के समान है। कंप्राइजिंग का मैंने बताया था आपको, शामिल, मैनी पार्ट्स है ना, कंप्राइजिंग मैनी पार्ट्स, ये इसमें अलग अलग भाग शामिल है। दीज पार्ट्स आर नोन एज ऑर्गन्स, और इन पार्ट्स को किस नाम से जाना जाता है? ऑर्गन्स के नाम से। ऑर्गन्स मतलब होता है अंग। द बॉडी हैज़ बोथ इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल ऑर्गन, जो हमारा शरीर है वो बाहरी और आंतरिक दोनों अंगों से बना हुआ होता है। हमारे शरीर में बाहरी और आंतरिक अंग होते हैं। दे बोथ प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर द हेल्दी सर्वाइवल ऑफ अवर बॉडी, वो हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। नेक्स्ट आगे चलेंगे। आवर बॉडी परफॉर्म ए नंबर ऑफ एक्टिविटीज़, हमारा शरीर एक गतिविधियों का प्रदर्शन करता है। दिस इज डन बाय कोऑर्डिनेशन अमोंग डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, दिस इज़ डन बाय कोऑर्डिनेशन अमोंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, हमारे शरीर के अलग अलग भागों में यह समन्वय करता है। फॉर्मिंग ए सिस्टम, एक प्रणाली की तरह। बॉडी हैज़ डिफरेंट सिस्टम वर्किंग टुगेदर फॉर ए हेल्दी सर्वाइवल, जो हमारा शरीर है अलग अलग प्रणाली में वर्किंग टुगेदर साथ अलग अलग प्रणालियों के साथ काम करता है तो हमें हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए। आगे देखो बच्चों, All the parts of the body are responsible to perform various function and they are divided into different system. All the part of the body, body के सभी जो भाग हैं वो responsible है, किसमें? वो जिम्मेदार हैं अलग अलग कार्यों को करने में, and are they divided into different system, और ये अलग अलग प्रणालियों में divide किए गए हैं। अब ये कौन कौन सी प्रणाली है बच्चों, सिस्टम कौन कौन से हैं? देखो, जैसे यहाँ बता रखा है आपका ब्रेन है, हार्ट है, लंग, स्टोमच, लीवर और किडनीज, इनके बारे में हम अब इस लेसन में पढ़ेंगे। देखो ब्रेन इज द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, ब्रेन जो है हमारे शरीर का ऊपर वाला भाग है। इट इज द, आगे देखो, यह इट इज़ द मास्टर ऑफ द बॉडी, यह हमारे शरीर का मास्टर है। इट कमांड्स फंक्शन ऑफ एवरी पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यह क्या करता है ब्रेन, क्या करता है हमारे शरीर के हर भाग को कमांड करता है, कार्य करने के लिए कमांड देता है। इट कमांड्स द हार्ट बीट एंड ब्रीथिंग द डायरेक्ट एवरी मोमेंट, यह कमांड किसको देता है बच्चों? हार्ट बीट एंड ब्रीथिंग, दिल की धड़कन को, दिल को और हमारे सांस लेने के लिए डायरेक्ट हर पल हमारे सांस लेने में और दिल की धड़कन को कमांड देता है कौन? ब्रेन। आगे देखो, द ब्रेन इज़ मेड अप ऑफ बिलियन ऑफ टिनी सेल्स कॉल्ड द नर्वस सेल्स,
जो हमारा दिमाग है वो छोटे छोटे टिनी सेल्स, कौन से होते हैं, छोटे छोटे मिलियंस करोड़ों सेलों से बना हुआ होता है, और उसे क्या कहते हैं बच्चों, नर्व सेल कहते हैं। इट रिसेंबल द इनसाइड ऑफ ए वॉलनट, वो अंदर से कैसा लगता है बच्चों, इनसाइड मतलब होता है अंदर, और वॉलनट क्या होता है, अखरोट है ना, वो अंदर से रिसेंबल यानी कि जैसा लगता है, वो अंदर से अखरोट के जैसा लगता है। ये देख रहे हो आप चित्र में, ये आपको किसकी आकृति का जैसा दिखाई दे रहा है, वॉलनट का जैसा। इट इज़ ए वेरी सेंसिबल ऑर्गन, यह बहुत ही नाजुक अंग होता है। इट आल्सो वेल प्रोटेक्टेड, यह है बहुत ही प्रोटेक्टेड होता है। ए हार्डबोनी स्कूल प्रोटेक्ट्स द ब्रेन, हार्डबोनी स्कूल क्या होती है, हार्डबनी जो खोपड़ी होती है वो हमारे दिमाग, जो हमारा दिमाग है उसको प्रोटेक्ट करता है, उसकी रक्षा करता है। द बोनी स्कूल्स इज नोन द क्रेनियम, जो बोनी स्कूल है हमारा उसे किस नाम से जानते हैं हम, क्रेनियम नाम से भी जाना जाता है। द ब्रेन इज एनक्लोज विद इन ए ब्रेन बॉक्स, जो हमारा दिमाग है बच्चों वो एनक्लोज है किसके, किसमें, हमारे दिमाग का जो बॉक्स है उसके साथ कार्य करता है और उसके जैसा लगता है वो इनक्लोज। देखो बिसाइड्स स्कूल द ब्रेन बॉक्स इज फिल्ड द फ्लूड आल्सो, जो हमारा ब्रेन है हमारा दिमाग है वो अंदर से तरल पदार्थों से, यानी कि अंदर से तरल, अंदर से बहुत ही सॉफ्ट बच्चों, ये तरल नरम होता है। दिस फ्लूड प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम इंजरीज एंड जर्क, यह जो तरल पदार्थ है वो हमारे चोट लगने पर और झटके लगने पर हमारी सहायता करता है और हमें प्रोटेक्ट करता है, हमारी रक्षा करता है। द ब्रेन हैज़ थ्री डिफरेंट पार्ट्स, जो हमारे जो दिमाग है उनके, उसके देखो तीन अलग अलग भाग हैं, कौन कौन से भाग बताए गए हैं, केरेबेलम एंड मेडुला ओब्लोंगाटा, ठीक है। अब इसके बारे में पढ़ेंगे, केरेबेलम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, जो केरेबेलम है ये क्या है, हमारे दिमाग का बहुत बड़ा, सबसे बड़ा भाग है। इट इज़ डम शेप्ड, ये किस किस के शेप का जैसा है, डम शेप, डम के आकार का जैसा ये है। इट रेगुलेट्स द फंक्शन ऑफ आईज ईयर्स वॉइस नोज एंड टंग, यह क्या करता है बच्चों, रेगुलेट्स कार्य करता है द फंक्शन, हमारे आँख कान आवाज़ नाक और जीभ में, वो ये क्या करता है, रेगुलेट्स करता है। रेगुलेट्स यानी क्या होता है बच्चों, नियंत्रित, ये हमारे आँख कान नाक आवाज़ और जीभ को नियंत्रित करता है। इट रेगुलेट्स अवर इंटेलिजेंस एंड मेमोरी आल्सो, यह हमारी बुद्धिमता और हमारी याददाश्त को भी नियंत्रित करता है। बिलो द केरेबेलम इज द केरेबेलम, नीचे बच्चों इस चित्र, ये चित्र देख रहे हैं आप, इस चित्र में बिलो यानी नीचे, केरेबेलम इज द केरेबेलम, इस चित्र में हमारा जो ये पार्ट ऑफ ब्रेन है, ब्रेन के जो भाग हैं वो दिखाए गए हैं, हमारे दिमाग के अलग अलग भाग बताए गए हैं। इट कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स क्या होता है बच्चों, मैंने क्या बताया था आपको, समन्वय, द एक्शन ऑफ द मसल्स एंड मेक्स दैम वर्क टुगेदर, यह हमारी मसल्स कौन होती है, मांसपेशियां, यह हमारी मांसपेशियों व उनके साथ काम करने का समन्वय रखता है। अब इस चित्र में बच्चों देखो बताया गया है, ये भाग है इसका हमारे दिमाग का जो ब्रेन है वो क्या है, केरेबेलम, क्या नाम है इसका, केरेबेलम, ठीक है। और जो ये दिया गया है आपको, यहाँ पर बताया गया था बच्चों कि केरेबेलम इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, जो ये केरेबेलम है वो हमारे दिमाग का सबसे बड़ा भाग है। बच्चों इस चित्र में आप देख रहे हैं सबसे बड़ा भाग आपको इनमें से कौन सा दिखाई दे रहा है, ये वाला, तो ये कौन सा हुआ, केरेबेलम, यहाँ पर बताया गया था ना, देखिए ये सबसे बड़ा भाग है ना, और इनके बारे में ये फ्रंट लोब है, फ्रंटल, ये लेफ्ट हेमिस्फीयर है, पैरिटल लोब है, ये अभी आप इतना ही जानिए इसके बारे में, और यहाँ इन तीनों भागों के बारे में आपका लेसन बताया गया है।
डू यू नो केरेबलम कंट्रोल आवर मेमोरी एंड इंटेलिजेंस। केरेबलम क्या करता है बच्चों? हमारी याददाश्त और हमारी बुद्धिमत्ता को कंट्रोल करता है। आगे का लेसन बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आपको आपकी जो वर्ड मीनिंग है वो लर्न करनी है, अपनी कॉपी में लिखनी है और आपके चैप्टर को आपको ध्यान से बच्चों 2 टाइम्स पढ़ना है।